ना धीरता ना रे तुझको सोचूं महके सारे यूं एहसास मेरे का तो इशारा आ रहा रहा मैं दो नैनों से हारा आ रहा रहा मैं दो नैनों से हारा जाने क्यों नहीं कैसा दर्द दुबारा आ रहा रहा मैं दो नैनों से हारा आ रहा रहा मैं दो नैनों से हारा कर्मणः
मुझसे कैसे हो सकता है? मेरा 10 साल का सपना, मेरा 10 साल का सपना बदल कैसे सकता है? बस बहुत हो गया नाटक, अब और नहीं। लक्ष्मी को मैं सब कुछ बता दूंगा। अरे जो मन में नहीं उसे पाने की चाह कैसे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। पहले मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछना ही नहीं, कंप्लेंट करनी है। तुम हो कौन और मेरी जिंदगी में आई क्यों? ठीक है, गलती से आ गए और दोस्त बन गए। दोस्त बनकर तुमने मेरी हर कदम पर मदद की, यहां तक कि मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए, हमारे इतने करीब आ गए, तो क्या करीब आते चले जाओगे? इतने करीब कि मेरे सपने में भी तुम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा सालों से संजोया हुआ सपना कोई अजनबी आकर चंद महीनों में बदल नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी चोट पर मलहम लगा दिया, तुम्हें खाना खिला दिया या तुम्हारे साथ हंस खेल लिया तो मुझे तुमसे प्यार हो गया? तुम्हें इतना हक मिल गया कि तुम मेरे सपने में आकर अर्जुन की जगह ले लो या मेरे दिलो दिमाग पर काबू कर लो? बिल्कुल भी नहीं। ना तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, ना कोई और, क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ करने की इजाजत ही नहीं दी। मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है अजय, और सही फैसला लिया। उसी से मेरा और मेरे परिवार वालों का भला हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और तुम्हारा, तुम्हारा क्या लक्ष्मी? कहते हैं कि अगर इंसान दिल की सुने तो हमेशा खुश रहता है। मैं भी तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, पर जिस राह पर तुम चल रही हो, मेरा यकीन मानो कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। और दिल की सुन ली तो क्या हासिल होगा? मेरे भी कुछ सपने हैं अजय, मेरे भी कुछ अरमान है। मेरा सपना है कि जब मेरे ससुराल वाले मेरा रिश्ता घर लेकर आए तो पूरा सनातन नगर देखता रह जाए। मेरी शादी में मैं दुनिया की सबसे सजी हुई दुल्हन दिखूं। मेरी शादी भी धूमधाम से हो, मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, मैं सारी दुनिया घूम सकूं। लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की प्लानिंग करते हैं, और मेरे बाबूजी सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद दूसरा कौन सा काम करे। मैं अपने बाबूजी को आराम देना चाहती हूँ,
और ये सब पैसों से ही खरीदा जा सकता है, प्यार के दो शब्द से नहीं। दिल की सुनी तो कुछ नहीं होगा, तो क्यों ना सुनूं अपने दिमाग की, क्यों ना पूरे करूं अपने सपने। क्या मुझे अपने सपने पूरे करने का कोई हक नहीं है? किसी दिल या मन की बात सुनकर, अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, मुझे मेरे सपने चाहिए और मैं अपने सपने पाकर ही रहूंगी। एक बात ध्यान से सुन लो अजय, तुम मेरे दोस्त हो और आगे भी दोस्त ही रहोगे। कभी ये मत सोचना कि तुम मेरे दिल के रास्ते से मेरी जिंदगी में आ सकते हो, कभी भी नहीं। और दिल क्या है, शायर की कल्पना, सब कुछ दिमाग होता है बस। मैं कहना कुछ और चाहता था लेकिन कुछ और कह रहा हूं। लक्ष्मी, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, कई सौदे दिल से किए जाते और मुनाफे में अपने आप सब कुछ मिल जाता। कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी कहने से मेरा फैसला बदलेगा नहीं। सुना तुमने, मेरे 10 सालों के इंतजार में 4 महीने की दोस्ती हावी नहीं हो सकती। मैंने सोच लिया, मैं कल सुबह ही अर्जुन को जाकर कह दूंगी कि मैं तुमसे। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं, तुम हो कौन? लेकिन सुन लो, कल मैं अर्जुन से कह दूंगी, शिवजी की कसम कह दूंगी, ताकि उसके बाद मेरे और मेरे सपने के बीच कोई ना आ सके, कोई भी नहीं। से नहीं दिमाग से फैसला लोगी, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में अजय है। ओफो, आप यहां बैठे हैं, डॉक्टर ने आपको पैर पर जोर देने से मना किया है ना? अरे ये क्या सरस्वती, अभी तो दवाई खाई थी मैंने, मैं नहीं खा रहा दवाई। दवाई नहीं दे रही हूँ, अभी तो सिर्फ मालिश करनी है। ना दवाई खानी है ना मालिश करवानी। अच्छा, अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे? सोच लीजिए, वैसे भी आपकी छुट्टी में अब सिर्फ 3 ही दिन बाकी रहे। हाँ भाई, अब तो ठीक होना ही पड़ेगा, छुट्टी में 3 दिन ही जो रह गए। अरे संभाले, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? किसने कहा था आपको उठने को? चलिए अब।
तुझे याद है ना, आज प्रेम परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल है। दादी मुझे याद है, डोंट वरी, आई हैंडल एवरीथिंग। वेरी गुड। धीरता ना।